सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन, 14 सितंबर जो है वो हिंदी दिवस है। तो आज हम एक ऐसा ही राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व समझाता हुआ पत्र यहाँ देखेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़े। 15 तृप्ति सदन, गांधी रोड, राजकोट से अरुणा भावनगर निवासी ने अपनी सखी गीता को राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व समझाकर हिंदी की परीक्षा देने का अनुरोध करती हुई पत्र लिखती है। यहाँ आपको आपका और आपके मित्र का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं। फिर ये एड्रेस लिखना है, आप सब जानते हैं। प्रिय गीता, सप्रेम नमस्कार। कल तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अफसोस हुआ कि तुमने राष्ट्रभाषा के वर्ग में जाना बंद कर दिया है और राष्ट्रभाषा कोविद की परीक्षा में बैठने का अपना इरादा छोड़ दिया है। ये हमारी राष्ट्रभाषा है, हम सब जानते हैं। हिंदी के बगैर हम सब अधूरे हैं। समाज में अब भी अंग्रेजी का बोलबाला देखकर शायद तुम्हें हिंदी पढ़ना व्यर्थ लगता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुजरात में गुजराती भाषा से हमारा काम आसानी से चलता है, लेकिन गुजरात से बाहर गुजराती हमारे काम नहीं आ सकती। दूसरे प्रांतों में जाने पर या दूसरे प्रांतों के लोगों को मिलने पर हिंदी ही हमारे काम आ सकती है। वह ही एक ऐसी भाषा है जिसे लगभग सारे देश के लोग बोल और समझ सकते हैं। हिंदी का ज्ञान हमें अपने देश में कहीं भी परायापन महसूस नहीं होने देता। इसके द्वारा हम सभी प्रांतों के लोगों से सरलतापूर्वक बातचीत कर सकते हैं। जो राष्ट्रभाषा सारे देश के दिलों को जोड़कर एक करती है, उसे सीखना हम सब का कर्तव्य है। यहाँ हिंदी भाषा का महत्व समझाया है इस पैराग्राफ में। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हिंदी राष्ट्रीय एकता, प्रेम और भाईचारे की भाषा है। वही भारत की भारती है। उसका अध्ययन करने में हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम राष्ट्रभाषा हिंदी की पढ़ाई फिर से शुरू कर दोगे और अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करेगी। शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारी सखी अरुणा। तो मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आपको यह पत्र अपनी फेसबुक में लिखना है, दो बार उसका पठन करना है और राष्ट्रभाषा का महत्व भी साथ में समझना है, ठीक है? धन्यवाद।